रोहित तिवारी हत्याकांड में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। मसलन कुमकुम रोहित को शराब परोसती थी। राजीव प्रकाश की पत्नी कुमकुम नहीं चाहती थी कि अपूर्वा और रोहित की शादी हो। वह शादी में नहीं आई। रोहित के कुमकुम के साथ अंतरंग संबंध थे। वह 24 घंटे घर में रहती है। रोहित उज्ज्वला से भी दुर्व्यवहार करता था। वह कहता था कि तुम्हारी वजह से मुझे 24 साल तक पिता का नाम पता नहीं चला। कुमकुम खुद रोहित को शराब परोसती थी। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसने रोहित को शराब में कुछ मिलाकर पिला दिया हो। कुल मिलाकर अपूर्वा शादी के 15 दिन बाद इंदौर आई थी। उसने टिकट कराया। बाद में उज्ज्वला ने मुझे फोन कर कहा कि मैंने रोहित को समझा दिया, अब विवाद नहीं होगा। करीब एक महीने बाद हम अपूर्वा को लेकर दिल्ली गए। हमने पुलिस में शिकायत भी की। यह कहना है अपूर्वा की माँ का। हमने पुलिस को बताया और थाने से आए पुलिसकर्मियों ने अपूर्वा का उसका सामान भी दिलवाया। रोहित की सर्जरी होने पर वह दोबारा दिल्ली गई। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी के दिन को लेकर अपूर्वा की माँ का यह भी कहना है कि हम मेहंदी की रस्म के लिए दिल्ली पहुंचे तो रोहित ने हमें घर से दूर ठहराया, जबकि उनके घर में 11 नौकर हैं। मेहंदी वाले दिन रोहित की अंगूठी गुम हो गई। इस वजह से मेहंदी का कार्यक्रम 2 घंटे लेट हो गया। उसी दिन रोहित और उज्ज्वला ने मेहमानों के सामने अपूर्वा को बेइज्जत किया। वे इस बात से नाराज थे कि अपूर्वा की वजह से पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। रोहित और उज्ज्वला का व्यवहार देखकर हम दंग रह गए। हमने उसी समय तय कर लिया, हमें यह रिश्ता नहीं करना है। हम सब उठे और बाहर निकल आए, लेकिन मेहमानों के समझाने पर शादी के लिए तैयार हो गए। मेहंदी के बाद हम जाने लगे तो उज्ज्वला नाराज होने लगी। वह पैसा नहीं मिलने से नाराज थी। उसने मुझसे कहा मैं शादी में नहीं आऊंगी। मैंने अपूर्वा को फोन करके यह बात बताई। बाद में हम शादी वाले घर पहुंचे। कुल मिलाकर अपूर्वा के छोटे भाई का भी यह कहना है कि पहले तो अपूर्वा को घर वालों से मिलने नहीं दिया जाता था, लेकिन रविवार से पुलिस वाले हमें उससे भी मिलने नहीं दे रहे थे। वे लोग अपूर्वा पर नार्को टेस्ट के लिए दबाव बनाने लगे। छोटी बहन ने यह सुना तो उसने विरोध किया। इस पर पुलिस वालों ने कहा तुम अभी रात को बाहर निकलो। पुलिस वालों ने अपूर्वा को 24 घंटे घेरे रखा, जबकि रोहित के घर के अन्य सदस्य आराम से बाहर आ जा रहे थे। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.